आज दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी का सांख्य योग सियावर। ये बड़े प्यार से सांख्य योग के बारे में कल बताया भी था कि संख्या और योग का मतलब है जो आपके अंदर स्वभाव है, प्रकृति है, जड़, उसके बारे में वर्णन किया है। जितने लोग जितनी संख्या में 18 अक्षिणी सेना लड़ रही है, आपस में लड़ रही है, उनकी प्रकृति और स्वभाव के बारे में, कोई धर्म के बारे में लड़ रहा है, कोई अधर्म किए जा रहा है, उसके बीच में जद्दोजहद है। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजा, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है। उसके मन में दया है कि ये जंग में कुछ नहीं रखा हुआ, चाहे वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं, ऐसा मन में माया का, उसके मन में जो प्रकोप था वो बसा हुआ था। नेत्र जिसके स्वरुदन करता है, ऐसे विचार से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवानोवाच, हे अर्जुन, तो तुझको ये दुख कहां से व्याप गया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं? ये नीचों जैसी बुद्धि तुझको ना चाहिए। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है ना संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, ये नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए और तू तत्व की बात समझता नहीं है। हे परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो जा। उसने जब कल पहले अध्याय में आया था कि बाण जमीन पे रख दिए, छोड़ दिया हाथ से तीर कमान, कहते उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख से कमल से वचन सुनकर अर्जुन कहता है, अर्जुनो वाच, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य हैं, इनकी तो हमेशा पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करनी और कुछ भली वस्तु इनके आगे भेंट रखनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करें? ये तो बड़े महागुरु हैं, इनके मारे से मेरा कल्याण कहां है? यानी कि जो भीष्म और द्रोणाचार्य ऐसी बुद्धि, विकट बुद्धि, ऐसी अलौकिक बुद्धि रखते हैं, जिनको सारी खबर है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और मेरे तो पूजनीय योग्य हैं, कैसे इनके ऊपर हम बाण चलाएं? किस भांति, मेरा तो कल्याण ही नहीं है इसमें। इंद्रियों के भोगों के निमित्त इनका घात करूं तो इनको मार जो राज को भोगूं, सो भोग इनके रुद्र के साथ लिपटे हुए हूं। अगर इनको मार के मैं कोई भी भोग करता हूं, बाद में राज ही भोगता हूं, और जो भी खाने पीने की सामग्री इनके खून के साथ लिपटी, रुद्र खून के साथ लिपटी हुई होगी, ये बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती कि सर्वदा हमारी ही जीत। ये कहां युद्ध से पहले पता है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे? क्योंकि हमारी सेना तो कम है, उनकी सेना ज्यादा, पर ये बात मैं निश्चय जानता हूं, हमारे सन्मुख ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं है। और आपने जो कहा नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझ रहा। जब नीच बुद्धि हो जाती है तो धर्म अधर्म की समझ नहीं आती, धर्म के कार्यों में भी बाधा डलती जाती है, स्वयं डालते हैं, क्योंकि नीच बुद्धि हो जाती। मूर्खों जैसी बुद्धि को कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत हो जाए तो विनाश हो जाता है, जब धर्म अधर्म की समझ ना आए तो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। सियावर राम, जय जय राम।
नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस करके है और अधर्म कैसे है, हे प्रभु जी मैं शिक्षा के योग्य हूं। मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया, जिससे मेरा कल्याण हो वो बात निश्चय करके मुझको कृपा करके कहिए। प्रभु जी इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई, सो ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज भी पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री भी पाऊं तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। यानी कि जब आदमी धर्म और अधर्म के बीच में फंसा हुआ हो, कुछ समझ ना आए, तो कहता है ये सामग्री में जितनी भी भोग उपभोग की सामग्री है ये प्राप्त भी कर जाऊं, ये पा भी जाऊं, राज्य भी पा जाऊं तो भी मुझे इसका शोक नहीं जाएगा कि मैंने इनको मार कर प्राप्त की। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है, ये इतनी जितनी कथा भी हुई है अगर इनका निचोड़ देख लें, हम अपने ऊपर लगाएं सारी बात को कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में फंसा हुआ, उसको तो भगवान कृष्ण जी बताने वाले थे अर्जुन को। जब हम धर्म और अधर्म के बीच में फंस जाएं तो हमें बताने वाला कौन? तब ध्यान लगा के अपने गुरु का ध्यान करो, बातों को ऐसे उपज किया करो, अपने गुरु अपने इष्ट का ध्यान लगा के कि मुझे धर्म अधर्म से निकालो, मैं इस संकट के बीच में फंस गया, कैसे निकल सकता। तो भगवान बुद्धि में ऐसी चीज डाल देते हैं जैसे कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि में डाली है, तो आपको वही एक किनारा लेना है जो धर्म का पक्ष है। बोल शंकर भगवान की। फिर सामने को रिश्तेदार हो, बहन हो, भाई हो, मित्र हो, पुत्र हो, फिर उसका साथ नहीं देना, फिर धर्म का ही साथ लेना है। बोल शंकर भगवान की। संजो वाच हे राजन, ये बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहते हैं। संजय ने ऐसा बताया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे गोविंद जी इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा, ये कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंस कर ये बात कहते हैं, भगवानों वाज है अर्जुन जो विवेकी पुरुष है वो किसी वस्तु की चिंता नहीं करता, जो ज्ञानी पुरुष है उसे किसी भी बात की ऐसी चिंता नहीं होती कि मेरा कुछ गया मैंने कुछ प्राप्त किया। सबसे पहले तो ये सुनो, तू क्षत्रिय है, तेरा जो धर्म है कि अधर्म का नाश करना, तेरा ये धर्म क्या है कि जहां कहीं अन्याय हो रहा है चाहे वो मेरा अपना ही क्यों नहीं, पहले तो उसको देखना है, अगर समझता है तो ठीक। देखो कृष्ण भगवान जी ने जब कौरवों के पास गया, दुर्योधन उस वक्त धृतराष्ट्र के साथ शासक में वो पूरा पूरा इंटरफेयर करता था, तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन इसे तो बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, ये सोने ये सुई के नक्के जिन्नी पृथ्वी भी उनको देने के लिए तैयार नहीं, इतना अधर्म इतना अधर्म। और अब तुझे ये बात सूझ रही है कि मैं धर्म अधर्म के बीच में फंसा हुआ हूं, इसके बाद भी तुम्हें धर्म का ही पक्ष लेना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध ही करना चाहिए। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय।
किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने करी है सो तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या ये अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। ये बोलने हारा आत्मा है सो अविनाशी है, और देह की जैसी तीन अवस्था है बाल यौवन वृद्ध, तैसी चौथी अवस्था देह के मरण की है। ये देह के धर्म है सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं, और देह का मरण ही धर्म है। ये जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो ये ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। ये सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। हे अर्जुन, तूने इनको तू इनको सिंघार यानी के मार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलाए मान ना कर सके, तिन्हीं पुरुष ने अमृत पान किया सोई अमर हुए। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्यापत है तिसको तू अविनाशी जान, और ये किसी के कहे मारा नहीं जाता। ये अनंत है, शरीर उपजते भी है और विनाश भी होते हैं। शरीर बनते हैं, आत्मा उनमें वास करती है, ये नाश भी होते हैं। और आत्मा नित्य है, अमर है, फिर कैसा है? अविनाशी है, निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण है अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा ना किसी ने मारा। आत्मा कैसा है? कभी जनता नहीं और मरता भी नहीं, और आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहता है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है। किसी पता नहीं आत्मा कहां से चली है और कब से चली है, कब फुरना फुरा, कोई मारा नहीं जाता। शरीर मरते जमते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उनको हमने मारा, अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग इकट्ठा होना अर्थात इकट्ठा हो किस भांति है? सो सुन, जैसा पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, यानी कि जब शरीर खत्म हुआ तो आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया, यानी कि पुराना वस्त्र उतारा और नया पहना, ऐसा समान समझो। इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नया देह लेता है। फिर आत्मा कैसा है? शास्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, और जल में डूबता नहीं आत्मा जो, और पवन से सूखता नहीं। आत्मा छेदने काटने जलने डूबने और सूखने से रहत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है, इसी से निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है, फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंत है, चितवया नहीं जाता, और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता, यानी कि आत्मा को कोई दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना सो किसकी चिंता करें? आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहु, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है निश्चय ही मरेगा, जिसका जन्म हुआ है उसने किसी ना किसी तरीके से मरना है, इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुनो, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता। ये कब पैदा हुई आत्मा और कब जाके इसका
दोबारा आत्मा के अंदर ही उसी परम आत्मा के अंदर वास हो जाना है। कहां से आए, कहां जावेंगे, बीच ही से देखने लगे हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहां गए। जिनकी आदि अंत ना जाना जाए और कहां से आए कहां से गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करना उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलन हारे आत्मा को देखना, चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी आचार्य से है। आचार्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए, हैरानी जिसे कहते हैं, निर्णय ना किया, मिराकल, ये क्या है? जिसके देह से जिसके देह में रहते ही धर्म ना जानिए कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा का निश्चय करके जानिए, ये अविनाशी है। इस कारण से अर्जुन, जो तू किसी भी भूत प्राणी की चिंता मत कर, तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? अन्याय जहां चल रहा है उसका नाश करना, चाहे को अपना है चाहे पराया, अन्याय के साथ लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से ये सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार पर इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखैन ही स्वर्ग को जो प्राप्त होंगे, और जो तू ये धर्म का संग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा। अगर ये धर्म का युद्ध तू ना करेगा, तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपनी धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगी। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके लिए तो जीवन से मरना ही भला। लोगों में जिसकी निंदा हो, और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी मानकर योद्धा मानते हैं, सो ही योद्धा तुझको कहेंगे अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध विषय शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में भी जाए प्राप्त होवेगा। रण में मरे तो स्वर्ग की स्वर्ग हो, विजय होए महाराज उर्मे करो विचार, ये युद्ध होत धुन साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध को निश्चय कर, सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। यानी कि जो धर्म के लिए युद्ध करता है उसे पाप नहीं लगता। ये जो सैनिक फौजी हैं, देश की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, इनके लिए को मारा भी जाए तो उसे कोई दोष नहीं, क्योंकि जन कल्याण के लिए कोई भी काम हो उसका कोई दोष नहीं लगता। अब आप समझ गए होंगे बात को कि धर्म क्या है। धर्म यही है कि किसी जिससे किसका कल्याण हो, जिससे किसी की रक्षा हो, वो धर्म है। हे अर्जुन, मैंने ये तुझको सांख्य शास्त्र का मत सुनाया, अब बुद्धि योग सुनो। सो कैसा बुद्धि योग है? जिसके सुनने समझने से जरम मरण के बंधन से को काट डालेगा, मुक्ति पाएंगे। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूं। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति भूल कर भी करते हैं, आगे के पीछे और पीछे का आगे, जिसका पाप कुछ नहीं, जो मेरे सेवक हैं, जैसे किसी मंत्र का भी जाप कर लेते हैं, वो गलत भी मंत्र पढ़ा जा रहा है, आगे का शब्द पीछे और पीछे का आगे,
लेकिन श्रद्धा से, मेरी भक्ति से मेरा पूजन कर रहे हैं, उनको कोई दोष नहीं, गलत किएगा, गलत कहेगा, क्योंकि भावना से, दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका ये पाप, ये दोष, ये भूल कर कहना, ये सब नष्ट है, वो मेरे अंदर ही समाए हैं। मैं समझ लेता हूं कि मेरा भक्त मेरे प्यार के साथ मगन हुआ है, इसको सुरत नहीं है, इसकी साखी सुन, जैसे राम अवतार में भिल्ली के भक्ति के प्रेम के साथ जूठे बेर भोजन मैंने, भक्ति के साथ मेरे जुड़ी हुई थी भिल्ली, और जूठा करके वो, क्योंकि वो भक्ति क्या थी, जूठा क्या था, वो देख रही थी मेरे भगवान को फीका भोगना लगे, ये मीठा हो, वो चख रही थी, भक्ति प्रेम में चखे वही उसे, ये मीठा है ये प्रभु खाइए, ये फीका है वो फेंक रही थी, ये मीठा है ये खाइए, तो भगवान को खाना पड़ा। जैसे विदुर जी थे, केले के छिलके जो थे भगवान के मुंह में दे रहे थे और गुरी फेंक रहे थे प्रेम के साथ, ये प्रभु मेरे घर में है, विदुर जी के केले के छिलके ग्रहण किए, जैसे जैसे विदुरानी ने कहा कि हे प्रभु को क्या खिला रहे हो, ये छिलके खिला रहे हो, ओहो भगवान कृष्ण ने कहा विदुरानी को कि तूने प्रेम में विघ्न डाल दिया है, ये प्रेम के साथ मुझे भोग लगा रहा था, उसे होश नहीं थी कि वो केला खिला रहा है या छिलका खिला रहा है। बोल शंकर भगवान की, सियावर राम जय जय राम। झूठे बेर हैं, हे अर्जुन मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है, किंतु एक तुलसी दल या पुष्प माला मुझे समर्पण करे, या एक बार नमस्कार ही करे, या एक बार मेरा नाम ही ले, सो ये एक बार नमस्कार देखने में तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जो जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है, ये जो भक्ति के साथ मेरी प्रीति है, सो कहीं है, और भक्ति का फल भी कहां? भक्ति का फल कहां है? अब मेरे जैसी मेरे साथ भक्ति भक्तों की बुद्धि है, सो सुन, मेरे भक्तों को केवल मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, मेरा नाम बिन कुछ मुख से और कहते भी नहीं और ना सुनते ही है, केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसको निश्चय मेरे साथ नहीं, तिनकी बुद्धि सुनो, उनकी मत कहीं और घूमती फिरती रहती है, मति यानी के आए तो मत्था टेकने, मेरी बात सुनने का था, लेकिन ध्यान कहीं और लगा हुआ है। मेरे साथ तिनकी मति नहीं, अनेक और भ्रांति वृत्ति है, जिस और किसी ने लगाई उसी और लगी, वे कैसे हैं? जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हो और लोगों को भी मोहित कर रहे करते हैं, फिर कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा, वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बार बार जन्म मरण और होवे, और जिनके करने से बहुत कष्ट होवे, और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वर्ग से गिरे
फिर गिर पड़े और ऐसे जो बुद्धिहीन है जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है वो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं। इन बातों से बुद्धि अंध हुई, उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण से हो कभी नहीं। बोल शंकर भगवान की। साफ साफ उन्होंने कहा जिसकी बुद्धि मेरे में लीन नहीं, आके भी ध्यान कहीं और। बोल शंकर भगवान की, ध्यान कहीं और चला जाए। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे एक बार जो नमस्कार भी करे, जो मेरा ध्यान लगाए, उसको परम सुख है, आवागमन के चक्कर से समाप्ति उसकी हो। पर आप तो देखो कई सालों से उसका ध्यान है, 24 घंटे उसका ध्यान है आपके दिमाग में, सुबह टाइम पर आते हो, इतनी सर्दी में जकड़े हुए भी उसका ध्यान करके उसके नाम की चर्चा सुनने आते हो। आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अब अर्जुन वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि तो तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीन गुणों से अतीत है। कैसा है जहां शीत हो उष्ण हो ना ही जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिन का दृष्टांत सुनो। जैसे जल का पात्र कुआं तालाब टोबा नदी इस विषय एक ही कार्य होए, जो कुएं में जाकर यतन से जल निकाले तब पान कीजिए, पर बली भांति कुब में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। जो तालाब टोबे नदी में जावे तहां पानी पीने का जल नहीं, स्नान करते वस्त्र धोते हैं, और जब महाप्रलय में जहां सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा नार तपस्वी सब जानते हैं, जिस कारण हे अर्जुन ऐसा जो आत्मा का सुख है तिस साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो तू कर। क्षत्रिय धर्म है कि जहां धर्म अधर्म हो रहा है उसको समाप्त करके धर्म की स्थापना करना, जहां किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाना, ये क्षत्रिय का धर्म। और फल कुछ ना मान, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर शोक से रहत हो, इसी का नाम समता योग। हे अर्जुन ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों काट डाल, और बुद्धि योग आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म की इच्छा नहीं बांचते, मेरे साथ जुड़ते हैं, जो फल बांचते हैं वो नीतमती हैं। हे अर्जुन जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। यानी कि बुद्धि को निश्चल कर, हर अध्याय में है कि बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रख, मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, हे केशव जी जिसकी निश्चल बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा करके करो। अब निश्चल बुद्धि किसकी है, यानी कि एक जगह स्थिर बुद्धि किसकी है। सियावर राम जय जय राम। इसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ
किस भांति बात करता है और वह चलता बोल शंकर भगवान की जय। चलता फिरता बैठता उठता कैसे है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवान वाच हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तिसकी तू निश्चल बुद्धि जान। यानी कि एक तरफ टिकटकी उसकी लगी मेरी तरफ, उसकी बुद्धि निश्चल होगी। अभ्यास के कई काम कारण, अभ्यास कैसे किया, कई तरीके हैं इसके। कीर्तन सत्संग से भी अभ्यास होता है, संगीत से गाने से भी अभ्यास होता है। निश्चल मन को करना आज्ञा चक्र में, अपनी मन और बुद्धि को टिकाना अभ्यास के जरिए, नाम शब्द के जरिए, यह भी निश्चल बुद्धि है। फिर कैसा है, जिसकी देखो पाकर यदि सुख लगे तो चिंता ना करे और दुख की वांछा ना करे। किसी से जिसका मोह नहीं और किसी को भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं रखता, तिसकी बुद्धि निश्चल। फिर कैसे, जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर खुशी नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, तिसकी बुद्धि निश्चल है। फिर कैसा है, जिसके कुर्म अर्थात कछु अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही सभी इंद्रियां विषयों से वर्ज के बांध रखी हैं, किसको तो निश्चल बुद्धि जान। जैसे कछुआ देखा उसका वज्र है पूरा ऊपर से, और अंदर कछुए की तरह सारा शरीर छुपा, जिसने सब कुछ अंदर छुपा रखा हुआ, और ऊपर से उसे कुछ भी हो, उसकी निश्चल बुद्धि जानो। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को ठोर से चलाए देता है। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू बस में कर, किस भांति बस में कर सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मन ही से इंद्रियां सुजीत हैं, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जाएंगी। अगर मन और बुद्धि को एकाग्र करके, निश्चल करके ईश्वर की तरफ ध्यान किया जाए, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाया जाए, वही निश्चल चेता आपका ईश्वर की तरफ लग गया तो उसकी बुद्धि निश्चल जा। और जो मेरा नाम ध्यान बिना कुछ बात चितवन करता है, इससे मनुष्य की भांति किस भांति कार्य बिगड़ता है सुनो। जो मनुष्य विषयों की बात करे उसका संग करे, या अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है, उस संग से मन को, उस संग से मन में काम आदि वासना उपजती है, काम से क्रोध और क्रोध से लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। यानी कि जो भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का ध्यान नहीं करता, चित्वर नहीं करता, उसकी आत्मा का स्टेटस गिरता जाता है। आत्मा को ही बलवान विराट करना है, आत्मा को ही लघु करना। लघु करना मतलब आत्मा छोटी होती 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 जूनियों में माया के चक्कर में फंसती रहती, और आत्मा का विराट होना यानी कि मन का एकाग्र करना, ईश्वर के चरणों में ध्यान करना, वो मन विराट होता जाता है। जिसके नजदीक पॉजिटिव एनर्जी हो वो उसकी आत्मा विराट है। यानी कि जिसके साथ बैठने को मन करे, जिसकी बात सुनने को मन करे, उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी है, वो आत्मा विराट है। और जिसके पास मन ना करे कि खड़ा हो कि यार ये छोड़ दे, इससे बस निकल चलो इसके, उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, उसकी आत्मा लघु हो छोटी हो। कैसे, कार्य से।
कर्म से, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ये देखना। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। तब जैसे और पशु योनि है तैसे ये पशु हुआ। इस कारण से मेरी भक्ति संसार मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते। नाम राम राम राम, नाम के बिना कुछ नहीं। नाम की चितवना मेरे बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। ये मेरे भक्तों की, मेरी भक्तों को मेरी आज्ञा है। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को मेरी क्या आ गया है, ये ध्यान रखना कि मेरे नाम के बिना कुछ ना समझ। अगर कोई काम भी तू कर रहा है ना दुनिया का, तो ध्यान उसकी तरफ ना दे रहा हो, बस मेरा नाम जपो, काम करते रहो, हाथ कर कारवर चित्त यारवर, ये करते रहो। अब अर्जुन मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें, सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा से आ मिला वैसा ही शोक से रहत होकर भोग लिया। अगर घर में कुछ नहीं तो नमक के साथ ही रोटी खा ली। झगड़ा ना किया कि घर में क्या है, ये क्या बनाया है, मैंने नहीं खाना। ये जो कुछ भी मिला उसी से ग्रहण कर लिया। आप जानते हैं जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए थे तो उसके बाद कई बार भोजन ही चने भी, चने से अपना गुजारा किया, चने खाकर हमारे बुजुर्गों ने। कुछ भी नहीं था पास में, यहां तक कि हमारा भी जन्म हुआ, हमने भी कई बार देखा कि सब्जी नहीं है तो पानी में लून मिर्च घोल के और सब रोटी को ऐसे लगा के खाया। कहते कुछ भी ना मिले, जो भी मिले उसमें दोष ना निकाल कर उसे अंगीकार करे। सो सुन, जैसी मेरी आज्ञा से आ मिला वैसा ही शोक से रहत होकर भोग लिया। जिसके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है तिन पर मैं कृपा करता। यानी कि मन का निश्चल चेता मेरे अंदर रख, उस पर मैं दया करता हूं। मेरी कृपा से तिन के तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश हो जाता। अब देखो उसकी कृपा के बिना आप यहां नहीं आए हो, यह ध्यान। जिसको वो खींचते हैं वही उनकी शरण में आ सकता है। और खींचते किसको हैं, आकर्षित किसको करते हैं, जिसका ध्यान होता है कि मेरा ईश्वर, मैं उनके चरणों में जाना चाहता हूं, उसको अपनी ओर खींचते हैं। आप लोग भाग्यशाली हो, आपको उसने अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्री विषय की ओर चले तिनके पीछे मन को ना जाने देवे उसकी बुद्धि कैसी है, सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन झंखंड आता है तो उन नौका को इस तट पर लगने नहीं देता, जिधर किधर जा लगती है इसी भांति इंद्रियां के पीछे मन को ना जाने। अपने मन को निश्चल चेता करके उस ईश्वर के बीच में रख। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिस पुरुष ने इंद्रियों को अपने अर्थों में वज्र रखा है, अपने वश करी हैं, तिनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन, मेरे स्मरण भजन की बातों का स्वाद जो है उसकी संसारी मनुष्यों की सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन रात है, मेरी ओर से सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके ये दिन होते हैं जिनमें मनुष्य जागते हैं और संयमी जो मेरे भक्त हैं उस ओर से जो सो रहे हैं
दिन के बहाने संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं मेरा भजन में जागते हैं सावधान है, मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती, ऐसा जो निष्प्रय और अवांछी निर अहंकार ममता से रहता है वह शांति पद में लीन है, और जो शांति उसमें लीन है, हे अर्जुन ये मैं तुझको ब्रह्म स्थिति कही, जो ब्रह्म में है तिसकी यह स्थिति स्वभाव है, जिसको ये स्वभाव प्राप्त हुआ सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। यानी कि जो भगवान को अपने मन का निश्चय चेता करके एक बार भी दिल से राम कह ले, यानी कि जो भी उसका इष्ट है उसका नाम लेकर, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आपको कोई ना कोई नाम दिया हुआ शब्द दिया हुआ है, उसका ध्यान करके दिल से हृदय से एक बार ही बहुत है, तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ईश्वर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, वो निर्वाण पद उसको प्राप्त हो जाता, समझ लो। यानी कि आपकी कान में फूंका गया मंत्र ही आपको निर्वाण पद तक पहुंचा सकता है, बस हृदय से लेने की जरूरत है उसका नाम हृदय से। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिष्ठ सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय।